साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। शायद इस कहावत को यादव समाज ने अब पूरी तरह से सच कर दिखाया। प्रेमचंद यादव के घर वालों को अब तक डोनेशन के रूप में इतना पैसा मिल गया जितना आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। बताते हैं उससे पहले ये जानिए, प्रेमचंद यादव के गुजर जाने के बाद प्रेमचंद यादव की बेटियों को किसने पहलवान बनाने का वादा कर दिए। और फाइनली अखिलेश यादव के कौन से चाल से अब प्रेमचंद यादव के मकान पर कभी बुलडोजर नहीं चलेगा। और साथ ही साथ यह भी खुलासा हो गया कि प्रेमचंद यादव का हत्या किसने किया था। सब कुछ बताते हैं, पर उससे पहले अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर दें। शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिसने प्रेमचंद यादव के घर वालों को 7,20,000 रुपए देकर मदद किए। दरअसल ये थाईलैंड में रहकर अपना व्यापार चलाते हैं। जैसे ही इनको पता चला प्रेमचंद यादव का किसी ने हत्या कर दिया, दौड़े चले आए और वो अपना बड़ा दिल दिखाते हुए 7,20,000 का मदद किए। साथ ही साथ बोले कि अगर कभी भी भविष्य में किसी भी तरह का दिक्कत हो तो हमें एक फोन जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ पूरे यादव समाज की ओर से इन्हें हर हद तक मदद किया जा रहा है। जिनसे जो संभव मदद हो रहा है वो अपनी ओर से मदद कर रहे हैं। इसी बीच लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई समाज हो तो यादव समाज की तरह हो, जहां बुरा समय में सब एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ जाते हैं। लोग ट्वीट करके लिख रहे हैं कि हमें यादव समाज से सीखनी चाहिए कि अगर समाज में एकजुटता हो तो सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। एक शख्स ने लिखा कि यादवों की एकजुटता ही यादवों की सबसे बड़ी जीत है। यादव समाज की एकजुटता ने सरकार का बुलडोजर 3-3 बार वापस लौटाकर उनका घमंड चकनाचूर कर दिया। # अखिलेश यादव जिंदाबाद। वही एक यादव पहलवान ने वादा किए कि अगर प्रेमचंद यादव की बेटियां पहलवानी में अपना कैरियर बनाना चाहती है तो मैं अपने पैसे से सारी जिम्मेदारी उठाते हुए इन्हें पहलवान बना दूंगा। अखिलेश यादव उनकी बेटियां और उनके परिवार के लिए ऑलरेडी सारा खर्च उठाने की बात कह चुके हैं। यादवों को जोड़कर रखने वाले गगन यादव ने उनकी माँ से उनकी बेटियों की शादी का टेंशन ना ले इसका भरोसा देकर आए हैं। और इस तरह से पूरे यादव समाज की ओर से लाखों करोड़ों का डोनेशन दिया गया। यादव समाज के साथ साथ हर समाज के लोगों ने इनका चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। और ये सारी बातें देखकर योगी सरकार और उनकी मंत्री सदमे में है। किसी को पता भी नहीं था कि देवरिया हत्याकांड के बाद यादव समाज इस तरह से एकजुट हो जाएंगे। और ये एकजुटता बहुतों की आंखों में खटक रही है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने पीछे से एक ऐसा चाल चल दिया जिससे योगी सरकार की कुर्सी अभी से ही ढीली पड़ती नजर आ रही है। सरकार को अभी से उनकी कुर्सी छिन जाने का डर सता रहा है। अखिलेश यादव ने आजम खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए हैं। आजम खान को मारने की साजिश की जा रही थी और इस बात का शक आजम खान को पहले ही हो चुका था, जहां आजम खान ने यह कहा कि हमारा भी इनकाउंटर हो सकता है। पर अखिलेश यादव ने पीछे से ऐसा चाल चल दिया जिससे आजम खान को कुछ भी नहीं हुआ। और इसके साथ साथ मुसलमानों के सपोर्ट में कहें कि योगी राज में मुसलमानों को एक तरफा टारगेट किया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। और इस तरह से अखिलेश यादव यादव वोट, मुसलमान वोट, लोअर कास्ट ओबीसी एसटीएससी का वोट सेव कर लिए हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि अगला सरकार अखिलेश यादव ही बनेंगे। और उधर जौनपुर के सांसद श्याम सिंह ने खुलासा किए कि देवेश दुबे ही प्रेमचंद यादव का हत्यारा है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है प्रेमचंद यादव का हत्यारा कौन है और अगला सरकार किसे बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर दें।